अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू की मश्क की किताब से सफ़र नंबर 34 की मश्क सीखने जा रहे हैं। मश्क दी हुई है हमारे पास, देखो और पढ़ो। हरूफ दिए हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, अलग अलग। उन हरूफ को देखकर अलग अलग अल्फाज बने हुए हैं, दो अर्थ भी। उनको हमको पढ़ना सीखना है और लिखना भी है, ठीक है। पहला हर्फ है एन, हर्फ है एन। इसके बाद है रे, फिर है का, ठीक है। ऐन, ऐन अलीफ, ऐन में अलीफ मिला हुआ है, आवाज़ आएगी आ। ऐन ई से टी, ऐन ए से ए, ऐन वाव पेश टू, ठीक है। फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, हर्फ है ऐन, ऐन अलीफ आ, ऐन ई ई, ऐन ए ए, ऐन वो वापेश ऊ, ठीक है। इसके बाद का दूसरा हर्फ है फे, फे में अलीफ मिला हुआ है, फ अ फा, फ ई फी, फ ये फे, फ व फू, ठीक है। ऐ अ आ आ, ऐन ई ए, ऐन ये ए, ऐन व ऊ, ठीक है। दूसरा हर्फ है फ, फ अ फा, फ ई फी, फ ये फे, फ व फू, ठीक है। उसके बाद का जो लफ्ज़ है यहाँ दो रुकते हैं, हर फिर उसके बाद का काफ, क्या है हर्फ काफ। अब काफ से बनने वाले दो हर्फी अल्फाज, क का, क ई की, क ये के, क व कू, ठीक है। एक बार और दोहरा रहा हूँ मैं इसको, आपको अपनी बयाज में लिखना है और मश्क करनी है। ऐन आ ई ए ऊ, फ फा, फी फे, फू, क का, टी टे, ऊ, ठीक है। अब उसके बाद आइए इसके बाद मश्क की सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। हम मश्क की सरगर्मी दी गई है दर्सी किताब में, दायरे के हरूफों से बनने वाले लफ्जों में उन हरूफों को पहचान कर निशान लगाओ। हरूफों से बनने वाले दो नए लफ्ज बनाओ, ठीक है। यहाँ मश्क की सरगर्मी दी हुई है, दायरे में जो हर्फ दिया हुआ है उसमें इन अल्फाजों में उन हर्फ को पहचानना है और दो नए लफ्ज बनाना है, दो नए लफ्ज बनाना है। दायरे में हर्फ दिया हुआ है ऐन, ऐन बे अलीफ दाल ते, पूरा लफ्ज है इबादत, इसमें ऐन को हमको दायरा लगाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो लफ्ज़ है ऐन में अलीफ है आ, लामीम लिम आलिम, ऐन को दायरा लगाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे का लफ्ज़ है अदद, ऐन है दाल है और दाल है, ठीक है। अदद ऐन दाल दाल जबर अदद, इबादत आलिम अदद। अब यहाँ से हमको दो नए लफ्ज बनाना है ऐन से, पहला बनाएंगे हम ऐन अलिफ जबर आ, बे दाल ज़े बिन, क्या हो गया आबिद, ठीक है। तो उसको भी आपको दायरा लगाना है, नया लफ्ज बनाकर उसको दायरा लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद ऐन से दूसरा लफ्ज बनाएंगे हम, आप कोई भी लफ्ज लिख सकते हैं इसके अलावा। हम बना रहे इमारत, ऐन मीम अलिफ रे ते, क्या हो गया इमारत, उसको भी दायरा लगाना है और इन अल्फाजों को दर्सी किताब सॉरी अपनी बयास में इसको लिखना है, कॉपी करना है इसको जैसे कि वैसे लिखना है और पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आइए अगली मश्क, दूसरा हर्फ जो है गैन, क्या है गैन। गैन से हमको क्या करना है, दायरे में गैन ढूंढना है इन अल्फाज में, इन लफ्ज़ में गैन ढूंढ कर उसको दायरा लगाना है। गुब्बारा, उसके बाद है बार, उसके बाद गौर, ये यहाँ पे गौर गैन, ठीक है। अब नए लफ्ज बनाएंगे हम गैन से, गैन अलीफ हमजा बे गायब, उसके बाद बनाएंगे गैन अलीफ लाम बे। इसके अलावा भी आप कोई भी लफ्ज बना सकते हैं, ठीक है, उनको दायरा लगाना है। अब क्या करना है, इन अल्फाजों को अपनी बयाज में लिखना है
और इसकी मश्क करनी है पढ़ने, और उसके बाद आपको दर्सी किताब के अंदर मश्क दी हुई नीचे फे नज़र आ रहा है आपको दर्सी किताब में सफ़र नंबर 34 पर। फे से हमको अलग अलग हर लफ्ज़ दिए हुए हैं, हमको दो नए लफ्ज़ बनाना है। इसी तरीके से काफ़ दिया हुआ है, काफ़ से अल्फाज दिए हुए कयामत, कुदरत, काबिल, आपको दो नए लफ्ज़ बनाना है, ठीक है। और ये सारे अल्फाजों को अपनी बयाज में लिखना है और पढ़ने की मश्क करना है, ठीक है। थैंक यू।